प्यारा लग रहा है, मेरा तो पैर जल रहे हैं यार, गलती कर दी, नंगे पैर आ गया मैं, पैर जल रहे हैं। बच्चों तुम्हारे भी जल रहे हैं? दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि मंदिरों के आप मंदिरों के कब दर्शन करा रहे हो, कमल मंदिर के तो करा दिए और भी मंदिरों का दर्शन करा, इसलिए मैं आज आया हूँ छतरपुर मंदिर। सो छतरपुर मंदिर का विजिट होने वाला है, दर्शन होने वाला है, सब लोग बने रहिए चैनल पे। चलते हैं छतरपुर मंदिर की तरफ। आपको ऑटो लेना है तो ले सकते हैं, ऑटो नहीं लेना है तो पैदल भी जा सकते हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-7 मिनट का पैदल जा सकते हैं। गर्मी है तो आप लोग ऑटो भी ले सकते हैं, मैं तो वैसे पैदल ही जा रहा हूँ। पीछे मेरा जो है छतरपुर का मेट्रो स्टेशन दिख रहा है आपको, अभी मेट्रो से आया हूँ मैं, से नीचे उतर गई, थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा। ऑटो बहुत बढ़िया है, यहाँ का चल रहा है। नहीं नहीं ऑटो है। अच्छा, छतरपुर मंदिर तक का किराया 10 रुपये है, तो मैंने आपको दिखा दिया। छतरपुर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सब लोग पैदल भी जा सकते हैं, मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये किराया है। तो आप लोग ये देखो, बस भी जा रहा है, तो बस से भी जा सकते हैं। 536 बस जा रही है, ये भी मतलब छतरपुर मंदिर होके ही जाती है, मैं तो पैदल ही जाऊँगा। 536 भी जाती है, 516 भी जाती है, और ऑटो भी जाते हैं यहाँ से। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑटो भी है, बस भी है और पैदल भी, तीनों ऑप्शन आई मीन तीनों ऑप्शन से आप जा सकते हैं। और इसलिए मैं पैदल आया था कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कितना एरिया में, वैसे तो 70 एकड़ में है एरिया में पूरा फैला हुआ है मंदिर, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि कहाँ से शुरुआत है। तो यहीं से ही शुरुआत है, बस मेट्रो स्टेशन के बगल से ही शुरुआत है, लेकिन ये एरिया है यहाँ से शुरू हो जाता है, बट मंदिर जो है थोड़ा आगे जाके है। ये भी आप देख सकते हैं, मतलब सामने की तरफ और इस तरफ, ज़्यादा दूर नहीं, बस मैं पहुँचने वाला हूँ, सामने ही दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच ही गया। मेन मंदिर के तरफ मैं जा ही रहा हूँ। हनुमान जी का 101 फुट ऊँचा मूर्ति लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, लोगों को जाने की एंट्री नहीं हुई तो मैं कैसे जाऊंगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, अच्छा लग रहा है मूर्ति। ये जूते रख सकते हैं, चार्जेस कुछ है, फ्री है ना? गाइस यहाँ पे जूते रख सकते हैं आप लोग, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, आप लोग एक टोकन मिलेगा, टोकन दिखाना होगा, उसके बाद आपको दोस्तों मैं संभाल के रख लेता हूँ। सो गाइस जहाँ जहाँ पर भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड होगा वहाँ पे ही मैं वीडियो करूँगा, और अगर जो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, हम लोग मैंने सिक्योरिटी चेक करवा लिया, और यहाँ पे देखो सब लोग अपनी मन्नत मानते हैं, और यहाँ पे जो है अपनी चुंदी बांधते हैं, देखो बांध रहे लोग अपनी श्रद्धा है, तो पीपल का पेड़ है। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मेरा सामने मूर्ति, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम और सीता माता साक्षात विराजमान है। यहाँ पे यशोदा मैया और कृष्णा जी हैं विराजमान है। गाइस तो ऐसा लग रहा है नागपाल जी महाराज जो है खुद ही यहाँ पे अभी विराजमान है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के। छतरपुर मंदिर का स्थापना करने वाले नागपाल जी महाराज, इन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था। छतरपुर मंदिर के परिसर में लगभग 20 छोटे बड़े मंदिर हैं जो कि अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया। मंदिर में माता के दरबार के साथ साथ बाबा नागपाल जी के भव्य कक्ष भी बना हुआ है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए सर? हम द्वारिका से आए। अच्छा, द्वारिका से आए। और सर आप? सर हम भी वहीं से आए हैं। वहीं से आए? साथ में आए दोनों। यहाँ पे कैसा लग रहा है सर? आप दोनों सर यहाँ देखने तो हमने पहली बार आया, लेकिन बहुत खूबसूरत है, देखने में अच्छा लगा, जम रहा है। अच्छा पहली बार? जी सर। अच्छा लगा ना?
तो पीछे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहे हो आप लोग, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन प्यारे जगह के ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत आ रहे तो इसलिए कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत सब कुछ के सामने अपना हेल्प ले लूँ। यही है दोस्तों, लोग आए हैं अपना सेल्फी ले रहने को मेरे पीछे। मैं बिल्कुल मेन प्रांगण में खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 360 डिग्री। मतलब देखिए पीछे पूरा का पूरा मूर्ति लगे हुए, फोटो लगे हुए हैं और जो है लोग लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरा कर रहे हैं। जो भी अपने मनोकामना है वो पूरा करने की एक चाहत होती है लोगों में, तो आए हुए हैं लोग दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें से मैं भी हूँ, मैं भी आया हुआ हूँ। तो आप लोग घर बैठ के ही आप दर्शन कर सकते हैं, कभी आप लोग का आने का मन है तो आप आके दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल आ जाइए, वेलकम है सबको। श्री माँ का बैठक कक्ष बैठक कक्ष है, क्योंकि ग्लास से थोड़ा सा हटाऊंगा तो अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ। लेकिन रेलिंग को छूना बना इधर आ सकते हैं। माँ का शयन कक्ष देख सकते हैं, माँ का शयन कक्ष है। माँ का जो महाराज विराजमान है तो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा है कि मतलब साथ साथ बैठे हुए हैं, तो साथ साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पे कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब कोई मन्नत वन्नत थी ऐसे आए घूमने? अच्छा मन्नत, कहाँ से आए आप लोग? यहाँ स्वामीनगर। कहाँ से आए आप लोग? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला से आया हूँ। अच्छा हिमाचल से। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो, बस माता के दर्शन हुए, बस माता के दर्शन करके अभी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ आए? हाँ पूरे परिवार के साथ आ रखा हूँ। जय श्री कृष्णा, मैं शिमला से हूँ और यहाँ आके बहुत ही बढ़िया लगा। जो ये कात्यायनी माता का मंदिर है, हमने फर्स्ट टाइम मतलब फ़ोन पे ही देखा था, टीवी पे ही देखा था, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आने से, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए ये आए हैं दर्शन, हिमाचल से आए हैं, मतलब बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे और दर्शन करते हैं, अच्छा लग रहा है इनको, तो मुझे भी अच्छा ही लगा। तो कैसा लग रहा है मैम, फर्स्ट टाइम आए हैं पहले भी आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आई हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फैमिली के साथ आए? थैंक यू। लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने, मैंने भी दर्शन कर लिया है, अब चलते हैं उस तरफ वाले मंदिर में। गाइस मैं तो अभी आया हूँ, देखिए मेरे सामने भोलेनाथ का डमरू त्रिशूल लगा हुआ है, बहुत बड़ा है देख सकते हो आप लोग। और जो है उधर उस तरफ जो है हनुमान जी का मूर्ति है, तो अभी उस तरफ भी जाऊँगा मैं, पहले इस तरफ अंदर चला जाता हूँ मंदिर में, फिर वहाँ चले जाएंगे। ऐसे लग रहा है घोड़ा घास कर रहा है, उस तरफ हिरण है पीछे की तरफ और उस तरफ गाय। तो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर, और इस तरफ जो है हाथी का बहुत विशाल जो है मूर्ति लगी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। थोड़ा धूप है लेकिन फिर भी अच्छा ही लग रहा है, चलते हैं अंदर की तरफ। हेलो छाप, छाप कहाँ है छाप? करना अलाउ नहीं था लेकिन मैंने एक दो फोटो ले लिया है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये सामने नंदी के पिस्ते किसी भी तरफ से दिख रहे हैं, सामने नंदी जी है विराजमान। मंदिर का दर्शन मैंने कर लिया, अब चलते हैं उस तरफ शिव जी वाला मूर्ति के उस तरफ चलते हैं दर्शन करने के लिए। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, ये मतलब बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, पता नहीं सच में ताला है या मतलब ऐसे डेकोरेशन बना रखा है, तो मैं देखने जा रहा हूँ।
सो बने रहिए चैनल पे, चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। गाइस सच में ताला है, सच में ताला है, देख सकते हैं आप लोग, सच में ताला, इसमें चाबी भी होगी, बिल्कुल खुलेगा ये, देख सकते हैं ऊपर से वो लगा के तो लगा हुआ है, ताला ही है ऊपर, तो ताला है कि खोलेंगे तो पता नहीं अंदर क्या है, पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि अंदर क्या है। तो चलते हैं गाइस उस तरफ, हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। बहुत गर्मी है गाइस, फिर भी नंगे पैर ही जा रहा हूँ मैं, देख सकते हो, और मैं जा रहा हूँ हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सुकून मिला, क्योंकि पसीना पसीना तो हो गया हूँ मैं, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में तो आप लोगों को ज़्यादा लग ही रहा होगा, लेकिन तो यहाँ आके जो अनुभव कर सकते हैं वो वीडियो में नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आकर दर्शन ज़रूर करना दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, मेरा तो पैर जल रहे हैं यार, गलती कर दी, नंगे पैर आ गया मैं, पैर जल रहे हैं। बच्चों तुम्हारे भी जल रहे हैं, ये थोड़ा ठंडा है, ये वाला जो है ना ये थोड़ा ठंडा है। जय हनुमान, जय कर दे, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दे बेटा, जय कर दे, जय कर दे, जय कर दे, जय कर दे, ये तो नहीं मिलेगा, मीठी मिलेगी, जय कर दे, गोप्रो पकड़ेगा, जय कर दो, जय कर दो, जय हनुमान, जय श्री राम। गाइस जब आना गर्मियों में आना तो ना यहाँ तक तो कम से कम जूते पहन के आना, क्योंकि बहुत जलन हो रही है मुझे, इतना जलन हो रहा है पूछो, गर्मी तो वैसे है लेकिन देखो ना पत्थर, ये वाले पत्थर जो है ना बहुत गर्म करते हैं, लेकिन हनुमान जी के चरण के सामने ये कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया दोस्तों, कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों में, और स्पेशली जो है चैनल को बहुत सारा प्यार देना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग घूमने के बाद भूख लगे तो छोटा सा ठेला भी लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे आके खाना भी खा सकते हैं, तो लोग खाना खा रहे हैं तो आप लोग भी खाना खा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर।